भाई गोस्ट आईडी वाली वीडियो गोस्ट बना, आईडी वाली वीडियो कब आ ओ रही है? गोस्ट आईडी वाली वीडियो बना वरना अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। गोस्ट आईडी वाली वीडियो, गोस्ट आईडी वाली वीडियो, हाँ गोस्ट आईडी वाली वीडियो, गोस्ट आईडी वाली वीडियो। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। एक मिनट गाइस, ऐसा हो क्या गया जो तुम लोग इतना ज्यादा गोस्ट आईडी वाले वीडियो की डिमांड कर रहे हो? चलो देखते हैं लास्ट टाइम मैंने गोस्ट आईडी वीडियो कब अपलोड करी थी। और ये क्या, 1.5 महीने में सिर्फ मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी है गोस्ट वीडियो के ऊपर? यार ये तो गलत है। अब हम इतने टॉपिक के वीडियो बना रहे हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो अब बताओ यार आपकी बात मैं कैसे ठुकरा सकता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट गोस्ट आईडी। तो गाइस अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने कभी किसी गोस्ट आईडी के अंदर वी बैच देखा है, और क्या कभी आप लोगों ने किसी गोस्ट आईडी को ग्रैंड मास्टर पर देखा है? नहीं देखा है ना, तो टेंशन नहीं लेने का आपको, है ना। आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं फ्री फायर के कुछ ऐसे गोस्ट आईडी जो कि लिटरली आपने कभी नहीं देखे होंगे। और देखो पहले वार्निंग दे दे रहा हूं, वो सारी गोस्ट आईडी इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि उसको देखने बाद अच्छे अच्छों की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो सकती है। ओके थोड़ा ज्यादा हो गया। और जो लास्ट में आपको गोस्ट आईडी दिखाने वाला हूं ना, सच्ची में उसको देखने बाद तो आप लोग लिटरली बहुत ज्यादा डर सकते हो। तो आप लोग वाली आईडी को तो जरूर देखना, क्योंकि वो इस वीडियो के सबसे बेस्ट आईडी होने वाली है। और उस आईडी की सबसे खास बात यह है कि उसका लेवल इतना कम है, उसके बाद भी उसके अंदर वी बैच है और उसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लाइक्स है। तो आप लोग गैस करो वो आईडी कौन सी हो सकती है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी भी मॉडरेटर या फिर किसी भी यूट्यूबर की आईडी नहीं है, वो एकदम गोस्ट आईडी है। और उस आईडी का लेवल सिर्फ 3 है, मतलब 3 लेवल पे किसी बंदे के पास कोई वी बैच और 1 लाख लाइक्स कैसे हो सकते हैं, तो आगे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो आप लोग उस आईडी को तो जरूर देखना। तो चलो फिर अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का 1 लाइक हमारे लिए 1 मोटिवेशन के बराबर होता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हो और आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना 1 मिलियन पे क्या होने वाला है, हमारा फेस रिवील होने वाला है 1 मिलियन पे। तो जल्दी से वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दो और आप लोग मेरा फेस देख सकते हो। आज वीडियो का इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं हो गया, तो चलो फिर अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप लोग हमारा फर्स्ट आईडी देख सकते हो। ये जो आईडी है गाइस, इसका आईडी का खास बात मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इस आईडी को देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी आईडी में है पीली टट्टी, सॉरी मतलब मेरा मतलब है येलो क्रिमिनल बंडल। अब देखो मैं तो येलो क्रिमिनल को पीली टट्टी बोलता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आप लोग इसकी आईडी देखो एक बार, इसकी आईडी के अंदर आप लोगों को पीली टट्टी सॉरी मतलब क्रिमिनल बंडल तो देखने को मिल ही रहा है। उसके साथ आप लोग यहाँ पर देखो सीजन 2 का बैनर भी देखने को मिला है, मतलब कि इसके पास सीजन 2 का इलीट पास भी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी आप लोग सोचोगे यार ये तो नॉर्मल सी बात है, और भी बहुत सारे बंदों के पास ऐसा होता है जिनके पास क्रिमिनल बंडल और सीजन 2 का एलिट पास होता है। लेकिन गाइस आप लोग एक बार इसके बैजेस देखो, इसके बैजेस से ये पता चल रहा है इसने फ्री फायर को बस 3 सीजन पहले से खेलना शुरू करा है। और अगर इसने सीजन 2 का एलिट पास परचेस करा था तो उसके बैजेस किधर है? क्योंकि आप लोग देख सकते हो यार इसके बैज एल्बम में तो कोई भी बैज नहीं दिख रहा है, बस लास्ट 3 सीजन का बैज दिख रहा है। अब सवाल ये आता है, ये बंदे की आईडी अगर 3 महीने पहले बनी थी तो इसकी आईडी में जो येलो क्रिमिनल बंडल और सीजन 2 का एलिट पास है वो कहां से आ गया? क्योंकि जो हमारा सीजन 2 का एलिट पास और क्रिमिनल बंडल आज तक कभी भी रिटर्न नहीं आया। मानता हूँ कि हिप हॉप बंडल रिटर्न आया है, लेकिन जो इसका एविटर और बैनर है वो कभी रिटर्न नहीं आया। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि इसकी आईडी में ये सब चीजें अगर आई तो आई कहाँ से? इसी से हमें ये तो पता चल चुका है ये आईडी नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, इस आईडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गोस्ट है, क्योंकि उसके बिना ये सब चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आगे जो आईडी आने वाली है गाइस वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो आप लोग सोच ही सकते हो आगे आने वाली आईडी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वैसे नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये वाली आईडी आप लोग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से 1 लाइक कर दो। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारी सेकंड आईडी। यहाँ पर जो मैं आपको बंदा दिखाने वाला हूँ ये मुझे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आप लोग खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर ये बंदा एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, 73 लेवल इस बंदे का एंड बैजेस वगैरह सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन अभी आप लोग ये भी सोचोगे यार आईडी अगर नॉर्मल होती तो राइम भाई हमें ये आईडी दिखाते क्यों? गाइस मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीजन की ये आईडी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। उस चीज को आप लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, एक भूतिया आईडी भी बोल सकते हो, यार कुछ भी बोल सकते हो, इसको देखने लिटरली आप लोग शौक तो पक्का होने वाले हो। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इनका स्क्वाड का केडी रेट देखो, भाई कितना केडी रेट है, 45 का केडी रेट एंड 64% का ओवरऑल में केडी रेट है हेडशॉट। डुओ में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस 17% का केडी रेट एंड 65% हेडशॉट रेट। बात कर लेगा सोलो की तो यहाँ पर आप लोग देखो 50 का केडी रेट एंड 80% हेडशॉट रेट। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि आप लोग इसका डुओ का स्टेट यहाँ पर देख सकते हो। मैं आप लोग दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका डुओ का क्लासिक का स्टेट, 72 का इसका केडी रेट है एंड 86% हेडशॉट रेट। अब आप लोग खुद बताओ
यार, अगर कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो इतना ज्यादा किडरेट आखिर कर कैसे लेता? आप लोग बताओ गाइस, आप लोग ये बंदा एलियन लगा या फिर ह्यूमन लगा? मुझे तो इस बंदे की आईडी पक्का कोई गोस्ट आईडी लग रही है, क्योंकि यार इतनी ज्यादा एबनॉर्मल चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वैसे गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, आज तक आप लोगों ने सबसे हाईएस्ट किडरेट कितना देखा? मैंने तो आज तक हाईएस्ट किडरेट इसी बंदे का देखा। वैसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपने किस बंदे का देखा था। अभी हम लोग देख लेते गाइस हमारी नेक्स्ट आईडी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे की आईडी मैंने सर्च कर दी, एंड जैसी मैं इसकी आईडी ओपन करता हूँ, ये है हमारी ग्रैंड मास्टर वाली गोस्ट आईडी। और इसको मैंने गोस्ट आईडी वाली वीडियो में बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ग्रैंड मास्टर पे गाइस आप लोग सबसे पहले तो इसका ड्रेस देखो। इसके ड्रेस में आप लोग क्या दिख रहा है, सीजन 7 का एलीट पास है, सीजन 4 का एलीट पास है, ब्रेक डांसर बंडल है, मतलब सारी रेयर चीजें। लेकिन एक मिनट, आप लोग इसके बैचेस देखो भाई, लास्ट बस 4 सीजन से बंदा खेल रहा है, एंड लास्ट अगर 4 सीजन से बंदा खेल रहा है, इसके पास ये सारी चीजें आई कहां से? और ये गोस्ट यार ग्रैंड मास्टर पे गया कैसे? आज मैं पहली बार देख रहा हूं कोई गोस्ट बंदा भी ग्रैंड मास्टर पे जा चुका है। लेकिन इसके लिए क्या मुश्किल, ये तो लॉबी में जाके मारिया तो होगा ना बंदों को, ये तो एक गोस्ट है। और एक मिनट, वो यार गोस्ट जो है वो कौन सी कंपनी का फोन यूज करता होगा और कौन सी सिम यूज करता होगा, ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्या लगता है। हाँ, अभी पता चला वो लोग पक्का नोकिया के कीपैड वाले मोबाइल में खेलते होंगे। अरे तुम लोगों ने तो बिल्कुल सही सोचा, हाँ इसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोग देख रहे थे इस बंदे के स्टैट कैसे हैं, आखिर ये स्टैट में भी भूत है या स्टैट में थोड़ा सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2.8 का केडी रेट, 22% का हेडशॉट रेट, चलो इसमें तो नॉर्मल है। बात कर लें डुओ की, यहाँ पर देख सकते हो 1.9 का केडी रेट, 21% का हेडशॉट रेट। और सोलो में आप लोग देख सकते हो 1.8 का इस बंदे का केडी रेट है, 22% का हेडशॉट रेट है। बात कर लें क्लैश स्क्वाड की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 67% का विन रेट, 44% का हेडशॉट रेट। चलो कम से कम इस चीज में तो नॉर्मल है, वरना यार अभी तक फ्री फायर वाले चाहे गोस्ट हो कोई हो उसकी आईडी पक्का बैन कर देते अगर ये बंदा गेम में जादूगर बनने की कोशिश करता तो। और अगर तुम लोग नहीं समझे जादूगर से मेरा मतलब क्या है, तो मैं बात कर रहा हूँ हैकर की। अभी बारी आती है हमारी नेक्स्ट आईडी की, जो कि यार इससे भी ज्यादा खतरनाक है, और उसको देखने बाद आप लोग बोलोगे काश यार ये आईडी मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस आईडी को, एंड आप लोग इसका आईडी का नाम पढ़ सकते हो, पप्पू नवाज नाम है इसका। लेकिन आप लोग नाम पर मत जाओ, आप लोग नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नहीं नहीं थोड़ा ऊपर, यहाँ पर आप लोग देखो भाई क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके पास सीजन 1 का बंडल है, और इसका लेवल कितना है 34, सिर्फ 34 लेवल पे इसके पास सीजन 1 का फुल बंडल है। नीचे की तरफ आप लोग इसके बैजेस देखो एक बार, बैजेस में आप लोग एक बार देखोगे ना तो आप लोग लिटरली शॉक होने वाले हो। अगर इस बंदे पास सीजन 1 का इलाइट पास है तो उसके बैजेस तो होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे पास लेकिन सिर्फ पिछले 8 सीजन के बैजेस हैं। नॉर्मल प्लेयर की आईडी में लास्ट 11 सीजन के इलाइट पास होते हैं, लेकिन इस बंदे की आईडी में सिर्फ लास्ट 8 सीजन के लाइट पास है, जिससे ये पता चलता है इसने सिर्फ 8 सीजन पहले से खेलना शुरू करा है। लेकिन अगर इस बंदे ने 8 सीजन पहले से खेलना शुरू करा है, तो इसके पास सीजन 1 का लाइट पास आया कहां से? तो ये चीज इसकी आईडी को एक गोस्ट आईडी बना देती है। तो आप लोग बताना गाइस ये आईडी आप लोगों को कैसे लगी, जब तक हम लोग देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट आईडी। तो हमारा जो नेक्स्ट आईडी है गाइस वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे को, इस बंदे का लेवल 3 है, एंड इसका आईडी का नाम है आई के लियो, मतलब कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसकी आईडी में लिखा हुआ है। और इसकी आईडी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आप लोग इसका लेवल देख लो, इसका लेवल जो है लेवल 3 है, एंड लाइक सिर्फ 0 है यार। लेवल 3 पे लाइक 0 कैसे हो सकते हैं, एक दो तो मिल ही जाता है। चलो यार इसको भी हम लोग मान लेते हैं, लेकिन आप लोग इसके गेम प्लेट देखो, इस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ में एक भी गेम नहीं खेला है। अब इसने यार अगर कोई भी गेम नहीं खेला है तो उसके बाद इस बंदे ने अपना लेवल 3 कैसे कर लिया? चलो लेवल 2 पे मान लेता, टॉपअप वॉपअप कर लिया होगा, एयर ड्रॉप कर लिया होगा, उससे यार इसका लेवल 2 हो गया, लेकिन लेवल 3 करना इम्पॉसिबल है। ये चीज इस बंदे ने कैसे करी यार, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन इसकी आईडी गाइस इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट गोस्ट आईडी है, मतलब बेस्ट तो नहीं कहेंगे, सबसे हॉरर आईडी में से एक है। तो आप लोग बताना ये वाली आईडी देखने बाद आप लोगों को कैसे लगा, और आप लोगों को इसके पीछे का रीजन पता है कि ऐसा इस बंदे की आईडी में कैसे हुआ? और वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से बोला था मैं आप लोगों को ऐसी आईडी दिखाने वाला हूं जिसमें लेवल 3 पे वी बैच भी है और 1,00,000 से ज्यादा लाइक्स भी हैं। तो गाइस वो आईडी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, लेकिन गाइस उसको देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं 3 तक गिनूंगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है उसमें। सो मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ, 1, 2, 3। देखो गाइस मुझे पता चल चुका है आप में से बहुत सारे बंदों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मैं एक बार दोबारा से गिनता हूँ, इस बार सभी को सब्सक्राइब करना है वरना वो आपको आईडी नहीं दिखने वाली है। तो 3, 2, 1। अभी भी बहुत सारे बंदों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, लेकिन ठीक ठाक बंदों ने सब्सक्राइब कर दिया। तो मैं आप लोगों को आईडी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आती है गाइस वीडियो की सबसे खतरनाक आईडी। तो यहाँ पर आप लोग इस आईडी को देख सकते हो, भाई बहुत ज्यादा हॉरर लग रही है ना। इसमें थोड़ा सा मैंने एडिटिंग करा है, पहले तो उसको हटा देता हूँ और आपको रियल इमेज दिखाता हूँ। अभी जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे फोटो देख रहा हो गाइस, ये एकदम रियल इमेज है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं है, एकदम 100% रियल है। और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे ये आईडी दी थी। और अगर आप लोग ये आईडी को सर्च करते हो ना, तो इसके अंदर आप लोग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पता नहीं मेरा फ्रेंड बता रहा था उसके में कुछ नेटवर्क इशू हुआ, जिसकी वजह से एकदम से उसकी आईडी के सामने ये आ गया, और उस टाइम रात के 1 बज रहे थे। तो वो मुझे बता रहा था कि यार ये हो सकता है कोई हॉरर
आईडी हो। तो ये थी हमारी इस वीडियो की लास्ट आईडी। तो इसी के साथ हमारी सारी आईडी खत्म होती है और वीडियो भी खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।